हाय गाइस, वेलकम एवरीवन। दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट एनएलयू लखनऊ। तो गाइस, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। और आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट फैसिलिटी एनएलयू में। स्पोर्ट फैसिलिटी कैसी है? बहुत सारे स्टूडेंट्स एनएलयू में आना चाहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स दिस टाइम क्लैट 2021 से एनएलयू में आ रहे हैं। तो उनको मैं थोड़ा बता दूं कि स्पोर्ट फैसिलिटी एनएलयू में कैसी रहती है। तो स्पोर्ट फैसिलिटी क्या एक रिक्रिएशन का सोर्स रहता है? बिकॉज आप कॉलेज में हैं, पूरे टाइम पढ़ाई तो नहीं करते रहेंगे ना, आपको रिक्रिएशन का टाइम चाहिए होगा, इवनिंग में चाहिए होगा। सो इफ यू टॉक अबाउट एनी एनएलयू, तो मैक्सिमम एनएलयू में बहुत सारे स्पोर्ट फैसिलिटीज रहेंगी। सो मैं एज अ जनरल मैं एनएलयू की बात करने वाला हूँ आज कि एनएलयू में कौन कौन सी स्पोर्ट फैसिलिटी होती है। और अगर स्पेसिफिक की बात करें तो ये चीजें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहेंगे, रिलेटेड टू एनएलयू लखनऊ भी बहुत रहेगी। एनएलयू लखनऊ बिकॉज मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ। स्पोर्ट्स में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का किसी ना किसी तरह इंटरेस्ट होता है। स्पोर्ट बहुत सारे हैं आपका इंटरेस्ट में भी, जिमनाजियम हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, टेबल टेनिस हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है। सो मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ एनएलयू में। सो मैक्सिमम एनएलयू में क्या होता है, मैं अपने एनएलयू की बात कर दूँ, सो वी हैव मेनी ग्राउंड। एक ग्राउंड ही हमारे पास आई थिंक टू बड़े ग्राउंड है जिसमें से एक फुटबॉल ग्राउंड है। सो हमारे यहाँ फुटबॉल का पूरा ग्राउंड बना हुआ है विद पोल एंड एवरीथिंग। सो अगर आप आते हैं हमारे एनएलयू में या फिर किसी भी एनएलयू में, मोस्ट प्रोबेबली हर एनएलयू में एक फुटबॉल ग्राउंड मिलेगा आपको, फुटबॉल ग्राउंड जहाँ फुटबॉल खेल सकते हैं। साथ में एक दूसरा ग्राउंड जहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हैं, वी हैव अ क्रिकेट ग्राउंड फॉर दैट। मतलब क्रिकेट में भी आप क्रिकेट का भी ग्राउंड मिल जाएगा, तो क्रिकेट के भी होता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी कमिटीज भी होती हैं जो कमिटीज इन स्पोर्ट्स को रन करती हैं। बहुत सारे इवेंट्स, फ्लैगशिप इवेंट कराते हैं एनएलयूज, वो भी कैसे होती है, कमिटीज हेड करती हैं, सब चीज़ों को वर्क कराती हैं और उन कमिटीज के और क्लब्स के आप मेंबर्स बन सकते हैं। तो गाइज, एज आई टोल्ड कि जैसे हमारे यहाँ फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है, और देखिए मोस्ट फेमस स्पोर्ट है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो इन्हीं दो स्पोर्ट में चूज कर लेते हैं। सो जैसे एनएलयू में क्या होता है कि जैसे आपकी क्लासेस चलती हैं, सो मॉर्निंग अराउंड 9 to 10 मैक्सिमम एनएलयू से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, और वो वैरी करती है हर सेमेस्टर की आपका एनएलयू में क्लासेस किस टाइम पे चल रही है। मे बी आफ्टरनून में 3 बजे तक क्लास चल रही है, तो आप स्पोर्ट्स शाम के मैक्सिमम 4 to 5 के आसपास स्पोर्ट्स होता है हम लोग का। स्पोर्ट्स में जिन स्टूडेंट्स का जैसे फुटबॉल में होता है तो फुटबॉल वो लोग करते हैं। जैसे मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि जब मैं फर्स्ट टाइम एनएलयू लखनऊ में गया था, सो हमारे एनएलयू में क्या था कि स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन होते थे। सो बिकॉज एक सीनियर और जूनियर, एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की एक अच्छा सा कनेक्शन बनाने के लिए एक बहुत अच्छा मैच हुआ था। हाय गाइस, सो टुडेज वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। तो अनअकैडमी एक क्लैट की कोचिंग आपको देती है। क्लैट की कोचिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी कैसे भी आप लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लास दे सकते हैं। एनएलयू एलुमनाइज को पढ़ाते हैं, अनलिमिटेड क्विजेस होती रहती हैं, वीकली स्ट्रेटेजिक सेशंस होते रहते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग जो एक कोचिंग एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है। एडवांस लॉ बैच चल रहा है जो कि 1 ईयर का ड्रॉपर बैच है, जो कि स्टूडेंट 12th में नहीं क्रैक कर पाए क्लैट और ड्रॉप करना चाहते हैं के लिए बैच है। एस लीगल 1.0 ये बैच है क्लैट 2023 के लिए, जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट एग्जाम है क्लैट का, मीन्स 2 ईयर से टाइम है, तो आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है और दिस बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 13th of August। ऑन द पॉपुलर डिमांड अनअकैडमी ने सब्सक्रिप्शंस को एक्सटेंड कर रहा है। 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा मिल रहा है और सब्सिक्वेंटली ऐसे ही ऑफर्स हैं, आप इन ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं। बढ़िया प्राइसेस पे आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आप अनअकैडमी इन चीजों को ले सकते हैं एट दिस प्राइस। अगर आप अलॉफ्ट कोड यूज करेंगे तो आपको इजिली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइव क्विज का फीचर है जिससे लाइव क्विज आप खुद होस्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ एज अ कम्युनिटी आप पढ़ सकते हैं। तो गाइज, अनअकैडमी का लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट से यूलेट आप इस एग्जाम को राइट कर सकते हैं एवरी फ्राइडे 4 to 5 के बीच में। वीकली T20 सीरीज होती है अनअकैडमी पे। अनअकैडमी का क्लैट का यूट्यूब चैनल है, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल। अनअकैडमी क्लैट इज नाउ ऑन टेलीग्राम, आप उनके टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, एक कम्युनिटी फॉर्म होती है, ये बढ़िया रहता है। साथ में आप बहुत चीजें डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एक अच्छा सा कनेक्शन बनाने के लिए एक बहुत अच्छा मैच हुआ था जिसमें फर्स्ट ईयर वर्सेस सेकेंड ईयर वर्सेस थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एक मैच हुआ था, वो क्रिकेट मैच हुआ था जिसमें शायद सेकेंड ईयर वाले जीते थे, हम लोग के जो एक साल सीनियर थे। तो इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, तो ये एक हेल्दी एटमोसफेयर बनाकर रखता है किसी भी एनएलयू में। सो गाइस, वी हैव लॉन टेनिस, हमारे एनएलयू में लॉन टेनिस भी आपको मिल जाएगा। लॉन टेनिस, आप लॉन टेनिस का एरिया है, कोर्ट है, बहुत ही अच्छा एरिया बना हुआ है।
सो ये एक ऐसा एनएलयू, कुछ एनएलयूज होते हैं जहाँ पे कुछ फैसिलिटी ज्यादा होती है, एज यू नो कि हमारा कैंपस 40 acres का है, सो आपको लॉन टेनिस भी मिल जाएगा, बात करूँ बैडमिंटन, बैडमिंटन भी हो जाएगा आपका, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल की फैसिलिटी, अगर आपके पास एक तरह से अगर लॉन टेनिस का कोर्ट है तो बहुत सारे स्पोर्ट हो सकते हैं लॉन टेनिस में, लॉन टेनिस में आपका वॉलीबॉल हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा, तो ये सब स्पोर्ट्स आपके एज अ लॉन टेनिस के कोर्ट में हो सकता है। बास्केटबॉल का हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्ट है, तो बास्केटबॉल का भी पूरा कोर्ट है। अब अगर बात करें स्विमिंग, सो हमारे यहाँ कॉलेज में ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, सो हर कॉलेज में यूज में नहीं है बट मैक्सिमम एनएलयू में स्विमिंग पूल तो होता है, तो स्विमिंग पूल है। बट जैसे अपने एनएलयू की बात करें, आर्मी एनएलयू में थोड़ा सा स्विमिंग पूल में कुछ मैटर हुआ जैसे बंद है वाइल्ड, लेकिन स्विमिंग पूल हमारे यहाँ है। बात करें जिम की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिम जाना चाहते हैं, जिनको जिम की जरूरत होती है। सो बात करें अगर अपने एनएलयू की, तो जिम हर एनएलयू में है, एवरी एनएलयू हैज अ जिम, जिमनाजियम हर एनएलयू में। जैसे अपने एनएलयू की बात करें, तो अपने एनएलयू में एक ओल्ड जिम है, एक नया जिम जो कि हम लोगों ने अभी ओपन नहीं हुआ था और कोविड आ गया था, वाइल्ड हमारे यहाँ दो जिम है। सो जिम एक अच्छा चीज हर स्टूडेंट करना चाहता है, सो जिम की भी फैसिलिटी मिलती है। बात करूँ डाइट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने डाइट के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं कि मैं जैसे जिम कर रहा हूँ तो डाइट कैसे कंट्रोल करूँगा। तो डाइट के लिए देखिए क्या करना होता है कि आप जैसे नॉर्मल काम अपने रूम पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करा जाए, सम स्टूडेंट वांट्स कि अपने रूम में वो एग को बॉइल कर लें इंडक्शन, तो थोड़ा बहुत आप आराम से इलेक्ट्रिक कटली के थ्रू कर सकते हैं। तो फिटनेस का भी ध्यान रख सकते हैं, स्पोर्ट फैसिलिटी इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये थे आउटडोर स्पोर्ट, ये आउटडोर स्पोर्ट्स तो है ही, साथ में बहुत सारे इंडोर स्पोर्ट्स हैं। इंडोर स्पोर्ट्स में जो अपने बोर्ड पे होते हैं वो सब तो स्पोर्ट्स हैं। तो इस तरह से मैं जाना चाहूंगा अपने एनएलयू में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, और मोस्टली मोस्ट ऑफ द एनएलयूज में बहुत सारे स्पोर्ट्स रहते हैं, ये एनएलयू खासियत है। आप एनएलयू जाने वाले हैं, सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। बट जैसे मैं एक डे स्कॉलर हूँ, सो मेरे साथ क्या है कि मैं सारे स्पोर्ट्स को मैंने नहीं देखा, मैंने हर चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं कर पाया कॉलेज का। बट बिकॉज आप कहीं से भी आ रहे हैं, आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे आपका पूरा शेड्यूल बनेगा दिन का कि आप दिन में आपके इतने से इतने क्लासेस है, उसके बाद आप इवनिंग में ये करेंगे, इवनिंग के बाद लेट इवनिंग में आप मे बी मूड कमेटी ज्वाइन कर सकते हैं, आप डिबेट कमेटी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी और कमेटी ज्वाइन कर लेंगे, तो उस पर वर्क होगा, पूरा डे आपका एंगेज होता है एनएलयू में। एनएलयू में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई करिए और खत्म हो गया कॉलेज, नो ऐसा नहीं है। आप कैंपस में हैं, आप कई इवेंट्स करेंगे, आप इवेंट्स को मैनेज करना सीखेंगे, आप थिएटर करना चाहते हैं, थिएटर की भी कमिटीज है, आप समझ रहे हैं हर चीज है। तो थिएटर की भी कमिटीज है, थिएटर कर सकते हैं, बहुत सारी कमिटीज हैं। स्पोर्ट्स में होता है, स्पोर्ट्स इस तरह से वर्क करता है। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा एनएलयू में स्पोर्ट की फैसिलिटी कैसी, दिस इज हाउ स्पोर्ट्स वर्क। बट लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सामान आपको खुद लाना पड़ेगा। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि फुटबॉल है, तो आई थिंक कॉलेज डजंट प्रोवाइड अ फुटबॉल, कॉलेज आपको फुटबॉल नहीं प्रोवाइड करेगा। बास्केटबॉल है तो कॉलेज बास्केटबॉल नहीं प्रोवाइड करेगा। क्रिकेट, सेम इन द केस ऑफ क्रिकेट, टेनिस, ऑल दोस थिंग। सो उसमें क्या है कि आपको खुद इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे। जैसे आप अपने फ्रेंड्स साथ खेल रहे हैं, सो आप लोग एक बैट ले लेंगे, बैडमिंटन ले लेंगे, दी लॉन रैकेट्स ले लेंगे, तो इस तरह से आप यहाँ पे गेम खेलते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका कौन सा फेवरेट स्पोर्ट है और जो आप एनएलयू में खेलना चाहते हैं, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली अब कैंपस खुलने वाले हैं एनएलयू के, बिकॉज रिसेंटली अभी हमारे एनएलयू का भी बहुत सारी आ गई डेट्स, लास्ट ईयर का भी, फिफ्थ ईयर का भी हम लोग कॉलेज ओपन हो चुके हैं, एंड जो इनिशियली जो अपने सेमेस्टर्स है, ईयर्स हैं, उनका भी खुलने का आ गया है। तो लेट्स होप कि कॉलेज खुलेगा और सारी चीज़ों को हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, स्पोर्ट फैसिलिटी करेंगे, बहुत सारे कमिटीज हमको भी एक्सपीरियंस करेंगे, एंड लेट्स मीट देयर। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जिनको आर्मी एनएलयू मिला है, कॉन्ग्रेट्स टू देम, हम लोग मिलेंगे यहाँ पे। और किसी भी एनएलयू में आपका हुआ है, किसी भी कॉलेज में हुआ है जो कि टॉप है, आई कॉन्ग्रेट्स यू ऑल। थैंक यू गाइस, दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, साइनिंग ऑफ।